यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ना क्रिसमस की, वो केक बहुत स्पेशल है, चॉकलेट हैं जो सेलिब्रेशन पे देते हैं, या क्रैकल्स हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं जो इधर क्रिसमस पे लगाई हुई। इधर ये क्रिसमस के हिसाब से एक सीजनल कपड़े हैं टेस्को के, F&F इनकी ब्रांड है कपड़ों के, और इस तरह ये क्रिसमस के हिसाब से ये सारे आउटफिट यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे सेंटा क्लॉज की जो हैट हैं, टोपियाँ हैं, केक हैं, बेकरी हैं, कार्ड्स हैं, वो सारे के सारे इधर रखे गए हैं। यहाँ पे बच्चों की जो हैट हैं वो भी लगाई गई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं तो देखने में। तो मैं आज आपको मैरी क्रिसमस ये के हिसाब से यहाँ पे टेस्को में लेके आई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लगाई गई हैं। बहुत किस्म किस्म के यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, फ्रूट हैं, स्वीट्स हैं, सबसे टॉप पे क्रैकर्स रखे हुए हैं, चॉकलेट रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे बाहर स्वीट आइल में भी आपको मिल सकते हैं। ये लेडीज़ के कपड़े हैं क्रिसमस के हिसाब से, जो बहुत ही ब्राइट कलर हैं, डार्क ग्रीन, ब्लैक, शॉकिंग पिंक एंड इस तरह के, जो क्रिसमस में ब्राइट अप करते हैं, जिस तरह हमारी शादी ब्याहों पे लोग स्पार्कली क्लोथ पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे ये सारी चॉकलेट की चॉइस पड़ी हुई है, अगर आपने लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये यूके के हिसाब से कोई ओलंपिक्स, कोई गेम्स होती हैं तो उनके हिसाब से ये वाइट, नेवी ब्लू और रेड के हिसाब से ये बनाई जाती हैं, और ये यूनियन जैक का हिसाब कहा जाता है, बच्चों के कपड़े होते हैं। और इस तरह ये जो चॉकलेट हैं ये ऑफ़र पे हैं, अगर आपके पास क्लब कार्ड है तो उसके हिसाब से 350 का मिलता है। अभी मैं इनकी आपको फ्रेश प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ। यहाँ पे सारे ऑरेंज रखे हुए हैं, हर स्टाइल के, कम से कम ऑरेंज रंग का जो है, लेमन है, ऑरेंज है, ये पैशन फ्रूट है, और ये इस हिसाब से लगाए हुए हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम के, विंटर के जो भी फ्रूट यहाँ पे होते हैं इस आइल में लगा दिए जाते हैं। इस आइल में आपको सारे की सारे जो टमाटोस मिलेंगे, तो ये वाला टमाटो जो है 6 in pack है, सैलड के लिए बहुत अच्छी हैं, और ये आप सैलड में डाल सकते हैं। तो पहले हर किस्म का आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने टमाटर लगाए हुए हैं, और फिर टमाटर के साथ ही उन्होंने ये यहाँ पे बेल पेपर रखे हुए हैं, थोड़े से लूज़ हैं, 48 pence का एक है, और यहाँ पर येलो हैं, और यहाँ पे मिक्स कलर हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो ग्रीन रंग की पेपर पसंद करते हैं, तो ये भी पेपर है, और ये जो ऊपर हैं ये भी पेपर है। ये इसको कहते हैं क्यूकमर, जो छोटे छोटे क्यूकमर हैं देसी स्टाइल के, यहाँ पे भी बड़े क्यूकमर भी पड़े हुए हैं, और ये सारा फ्रूट और सब्ज़ी यहाँ पर अवेलेबल है। इधर आप देख सकते हैं, इधर भी फ्रूट और वेजिटेबल है, कुछ तो प्रिपेयर करके रखी हुई है कंटेनर्स में, और ये फ्रेश प्रोडक्ट हैं, ब्रोकली है, सीजनल है, लोकल है यूके की, और ये कलीफ्लावर देखें कितना खूबसूरत है, कितना सेहतमंद है, हर हफ्ते नई सब्ज़ी आती है। और इधर भी आप देखें कि आलू पड़े हुए हैं, तरह तरह की वैरायटी जो आलू की है, अभी वो लोग हैं वो स्टॉक कर रहे हैं सामान। ये छलियाँ भी हैं जो खाने को दिल करता है, हर चीज़ को होता है, मेरे पास जो बजट होता है वो कम है, और मैंने चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं, इसलिए मैं देख सोच के लूँगी कि कौन सी चीज़ मैं कब कहाँ से कब ले सकती हूँ, तो टाइम भी थोड़ा होता है। और ये गाजरें हैं, ये फ्रेश हैं, 45 मेरे ख्याल केजी के हिसाब से हैं, और ये पैकेटों में भी पड़ी हुई होती हैं। और अगर आप गाजर ले रहे हैं ना, जो इस तरह की गाजर हो ना, इस तरह की जिसके ऊपर ये वाइट वाइट सा, ये ज़्यादा बेहतर होती है, और जब जिसकी स्किन ज़्यादा क्लियर होती है वो उतनी जल्दी ख़राब हो जाती है। ये गाजरें पड़ी हुई हैं, और उधर देखेंगे फूल भी पड़े हुए हैं ऊपर,
आपको यहाँ सीजनल फ्रूट दिखा सकते हैं जो इनका होता है। ऑरेंजेस हैं ये, एक जो है वो जो 2 पाउंड के हैं। इधर एप्पल पड़े हुए हैं और पाइनएप्पल पड़े हुए हैं, ऊपर मेलन पड़े हुए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर फ्रूट है। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत बंच ऑफ फ्लावर है। फाइनेस्ट बुके हैंड टाइड टू लुक देयर बेस्ट, ये वाले बहुत प्यारे हैं लेकिन डेलिकेट हैं, जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और इधर आप 2-3 बंचेस इकट्ठे मिला के ना तो एक बंच बना सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है, ये देखिए ये वाला कितना खूबसूरत है वो वाला। और मैं इन फूलों के पास खड़ी हूँ इसलिए इनकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जब आप लिलीज लेते हैं घर में तो पहले तो लिलीज जब लेते हैं तो इस तरह बंद होती हैं, तो जब आप ले लेते हैं तो घर में आस्ता आस्ता लिलीज जो हैं खिलना भी शुरू हो जाती हैं। अभी मैं आपको सारे किस्म की जो वैरायटी है ना फूलों की दिखा सकती हूँ। ये रेड रोजेस हैं जिसमें थोड़ा सा फोलेज लगाया गया है और इनके साथ ही ये पिंक हैं, पिंक भी बहुत ही खूबसूरत हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है, कई लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का लेते हैं, कई इस तरह का भी लेते हैं। और ये बंचेज जो हैं 10 और 15 पाउंड का एक बंच ऑफ फ्लावर होता है। यहाँ पर आप देखें ये सारे जो बुके हैं सेटल करके रखे गए हैं। आप ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ये गोभी का फूल है, उसके हिसाब से ये लिया गया है, इसका गुलाब के की तरह लग रहा है। और ये भी गोभी का फूल होता है, बंद गोभी जैसी होती है, उसमें थोड़े से फूल लगाए होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल होते हैं। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें ये इंडोर प्लांट हैं जिनको आप रख सकते हैं। और ये ऑर्चिड प्लांट्स हैं जिनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, ज़रा भी गर्मी या सर्दी हो जाती है ये मर जाते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इधर आप ये देख लेंगे ये फूल कितने प्यारे हैं ये वाले। आप इधर देख लेंगे फूल आज की डेट के हैं, तो कुछ जो हैं उनके ऊपर ये येलो स्टिकर लगा दिया गया है तो ये रिड्यूस हो जाएंगे थोड़ी देर में और सस्ते हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये हाफ प्राइस पे है। आपकी चॉइस है, आपको उन्हें फ्रेश लेने हैं या थोड़ा सा पैसा सेव करना है। यहाँ पे भी ये सारे जो हैं क्रिसमस के हिसाब से ये कार्ड क्रिसमस के रखे गए हैं, ये वो अपने प्यारों को देते हैं, कोई गिफ्ट कार्ड डाल देता है, कोई पैसे डाल देता है, इस तरह सारा चॉइस है। और शाम का टाइम है, यहाँ पे सारा जो बनाना है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब नया इंस्टॉल किया जाएगा, रखा जाएगा, तो थोड़ा सा इधर भी पड़ा हुआ है। तो लोग जो है ज़्यादातर ग्रीन किस्म का जो केला होता है वो पसंद करते हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह रखा गया है, विंटर में आपके जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप इस तरह के ड्राई फ्रूट और ड्राई नट खाएं तो ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये देखें सारी किस्म की वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई है और ऊपर भी है। लोग जो हैं अपने प्यारों को इस तरह का भी गिफ्ट देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नट्स हैं और ये हेज़ल नट है, ये मिक्स है, और ये इस तरह के भी नट मिलते हैं जो 2 पैकेट लगाए हुए हैं 5 पाउंड के। और यहाँ पे रोस्टेड करके रखे हुए हैं जो बहुत मज़े के हैं। और ये वाले जो नट्स हैं ये चॉकलेट में कोटेड किए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे ये मेलन है और ये दूसरा हनी मेलन है, वाटर मेलन भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये खरबूजा वाइट रंग का पड़ा हुआ है। हर वैरायटी तकरीबन दुनिया जहाँ से आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है पाइनएप्पल रखा गया है, ये मेरे ख्याल से पोमिलो फ्रूट कहते हैं इसको, मैं इसको ग्रेप फ्रूट ही कहा करती थी, लेकिन ये ऊपर कोकोनट भी पड़े हुए हैं अगर आप कोकोनट खाने के फैंसी हैं। कीवी पड़ा हुआ है, अनार हैं, पोमीग्रेनेट और ऑरेंजेस हैं, यहाँ उधर भी पड़े हुए थे लाइम लेमन्स, यहाँ पे पड़ा हुआ है ये ग्रेप फ्रूट, यहाँ रेड ग्रेप फ्रूट, इसको रेड कहते हैं मैं तो इसको ऑरेंज कहती हूँ। यहाँ पे हर किस्म की जो लेमन की ऑरेंज की वैरायटी आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट रखा गया है, ग्रीन फ्रूट का भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ हैं यहाँ पे, ये हनी पेड़ हैं, ये बिगेस्ट क्वालिटी है जी, ये देसी पेड़ हैं, तो ये पेड़ का भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है।
और सेब जहाँ पे आप लूज़ ले सकते हैं, ज़रा महंगे पड़ते हैं, 385 का एक किलो मिलेगा, और यहाँ पे 270 का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के साथ रखे हुए हैं। ये कुकिंग एप्पल हैं जिनको लोग अगर स्वीट डिश वगैरह बनानी हो तो नीचे कुकिंग ओवर काफ़ी खट्टे होते हैं तो उनको डाल के फिर ऊपर बनाए जाते हैं। ये हर किस्म की जो वैरायटी है ना आपको यहाँ पे एप्पल्स की ही मिलेगी। ये ऊपर भी हैं, ये 80 पेंस का है 800 ग्राम, जो रियली रियली गुड प्राइस है। ये वाला भी, बच्चे ज़्यादातर एप्पल खाना पसंद करते हैं, खासकर जब ट्रैवलिंग कर रहे हों, जब भूख से सताए हुए हों, तो ये हर किस्म की हर्ब्स हैं। जिंजर पड़ा हुआ है यहाँ पर, अदरक लहसुन चिली हर्ब्स जो हैं हर किस्म के ये इधर पड़े हुए हैं। और ये सीजनल फ्रूट के बारे में वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे भी आयल जो है वो जो सब्ज़ी का है, थोड़े सा क्लोज लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे कैबेज है, स्प्रिंग ओनियन है, रुबाब है, रेडिश है, और यहाँ पे एवोकाडो भी पड़े हुए हैं, सेलरी है। तो जिन्होंने जिस जिस तरह की चीज़ लेनी होती है वो उस तरह के ले लेते हैं। एवोकाडो 89 पेंस का एक है जी। बीट रूट हैं वो उधर पड़े हुए हैं। इन सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ डाल दी जाती है। यहाँ पे ग्रेप्स पड़े हुए हैं, चेरीज हैं, बेरीज हैं, जितने भी ग्रीन ग्रेप्स हैं वहाँ पे, ब्लैक ग्रेप्स हैं, रेड ग्रेप्स, यहाँ पे ये सारे ग्रेप्स की किस्म है। एप्रिकोट है जो ताज़ा होता है। अभी जो ये नई चीज़ें होंगी, ये डेट में होंगी, इनको आगे कर दिया जाएगा। जो अब का प्रोडक्ट होगा वो इनके पीछे रख दिया जाएगा, ताकि ये पहले ये बिक जाए फिर वो बिके, ताकि ये फ्रूट सारा ना ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पर भी देखिए, ये बच्चों के कपड़े हैं क्रिसमस के हिसाब से लगाए हुए हैं। कुछ यहाँ पर भी बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, तो जिस तरह का आपको चाहिए चीज़ आप देख लेते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग मिलेंगे गिफ्ट डालने के लिए, और यहाँ पे डिफरेंट कार्ड हैं, डैड के लिए, मम के लिए, सन के लिए, डॉटर के लिए, फ्रेंड के लिए, टीचर के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, सारे किस्म के। और ये क्रिसमस कार्ड हैं, इन बैगों में गिफ्ट डाल के दिए जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे किस्म के कार्ड मिलेंगे। तो कुछ कार्डों के ऊपर बहुत सारी अच्छी सेइंग होती है, जिनको देख के पढ़ के बंदे का दिल खुश होता है। तो फिर ये सीजनल कार्ड्स होते हैं। आपको इधर से कुछ दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी हैं। आप चाहें तो कार्ड में कुछ पैसे डाल दें, बेशक आप कार्ड में कुछ लिख के एक्स्ट्रा दे दें,
या आप ये कर सकते हैं कि जो वाउचर होता है ना शॉप्स का, वो भी इसमें डाल के दे सकते हैं। वो सीजनल क्रिसमस कार्ड्स हैं और ये नॉर्मल बर्थडे कार्ड्स हैं। यहाँ पर आप नज़र आएगा एज के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स हैं और कई बार जो एनवलप होते हैं ना, पिंक, ब्लू, येलो और लाइट ब्लू, तो उनसे भी कार्ड और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर भी आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं। वो बैग्स जो भी आपने कोई गिफ्ट डाल के देना है तो ये अच्छा तरीका है, या तो आप रैपिंग पेपर ले लें और बॉक्स में डाल के तो उसके ऊपर रैप करके और ये बो वगैरह लगा के डेकोरेशन लगा के दे दें, या इस तरह के बैग में डाल के दे दें तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये बैग पड़े होते हैं, ये भी तकरीबन 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड के आते हैं। यहाँ पे रेडी टू ईट हर किस्म का फ्रूट सैलड बना के रखा होता है, विंटर फ्रूट सैलड, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके पास नहीं होता कि इतना सारा फ्रूट लें और फ्रूट लेके उनको बनाएं, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का यहाँ पे फ्रूट सैलड बनाया होता है। ये कुकिंग क्रॉनबेरीज है, जिसको करंडे भी कोई कहते हैं, अचार भी डालते हैं, तो जो खट्टे का होते हैं इनका अचार डाला जाता है और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पर रास्बेरी है, हमारी तो अपनी अलॉटमेंट की रास्बेरी और ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी है, तो यहाँ पर ये रास्बेरी रखी हुई हैं और ये ब्लूबेरीज के बॉक्स पड़े हुए हैं, प्लम वगैरह, ग्रेप्स वगैरह, एप्रिकोट वगैरह। जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती जाएगी तो इस तरह की ये ट्रॉलियाँ हैं, ये स्टोर से ला ला के इधर रखते जाएंगे और यहाँ जहाँ पे ये बॉक्स खाली होते जाएंगे वहाँ वहाँ पे ये फ्रूट जो है रखते जाएंगे और इनको टाइडी अप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म की ट्रॉली जो है यहाँ पर आके रख दी गई है। यहाँ पे देखें ये स्नो के बनाए गए हैं और यहाँ पर ये डियर भी बनाए गए हैं। तो ये सारा जो जो डेकोरेशन है ये स्पेशल वो क्रिसमस ट्री के ऊपर हैंग करने के लिए है। यहाँ पे स्पेशल काइंड की कैंडल भी बनाई गई हैं। इधर ये क्रिसमस के लिए ये स्पेशल अल्कोहल शराब रखी गई है, क्लब के कार्ड के साथ उनको सस्ती मिलती है। आप इस ऑयल में पूरे के पूरे में देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो है शराब स्टोल की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का जो वाटर है, फ्लेवर वाटर को, हर किस्म के ड्रिंक यहाँ पे रखे गए हैं और ये पाइल अप गए हैं। फ्रेश जूस जो हैं वो भी इधर पड़े हुए हैं, ये प्रिजर्व्ड किए गए हैं। एप्पल जूस है यहाँ पे, ऑरेंज जूस है, ब्लूबेरी जूस है, रास्बेरी, समर फ्रूट जूस हैं, तो ये सारे के सारे इधर पड़े हुए हैं। और आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा फिजी ड्रिंक लेना है या पानी पीना है, या आपने ये मिक्स करने वाला डाइल्यूट जूस पीना है। इधर पानी भी, स्टील पानी भी पड़ा हुआ है। ये हर किस्म के यहाँ पर जूस पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर सारे के किस सारे के जो है ये जूस हैं। हमारे बच्चे छोटे होते थे तो हम कोशिश करते थे कि जहाँ पे इस क्रिस्प के और चॉकलेट के आइल में ना जाएं, ताकि बच्चे जब देख लेते हैं तो फिर वो ज़िद करते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज़ें खरीदनी है। और काफ़ी सारे जो पैसे हैं ना वो क्रिस्प वगैरह पे लग जाते थे और जो बजट होता था वो आपका रह जाता था। तो इसलिए जब भी हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे इधर को ना लेके आए, लेकिन यहाँ पे बच्चों को जब बड़े हो जाते हैं, काम करना लगते हैं, वो सारे के सारे क्रिस्प चॉकलेट खाते हैं। ये कैंडी किंग पी का मिक्स भी है, हर किस्म की स्वीट है और चॉकलेट है, बच्चे ये बैग भर के लेते हैं। इस आइल में आपको देख सकते हैं कि ये कैंड फूड है, टमाटो पूरी है हर किस्म की। इधर भी आप देख सकते हैं सूप वगैरह भी हैं, कई बार बंदा क्रीमी वेजिटेबल सूप्स एनी 3 for 250, तो मैं ये वाला मेरा पसंदीदा है ये वाला। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा के किन सूप वगैरह हैं, टमाटो टिन वगैरह हैं। और यहाँ पे मैं कोकोनट मिल्क लेने आई हुई हूँ, तो इस आइल में उन्होंने बताया है आइल नंबर 10 में है, तो ये 10 ही है। इधर भी आप देख लें ये सारा पास्ता, पास्ता सॉस वगैरह पड़े हुए हैं,
हर किस्म के पास्ते यहाँ पे हैं। काफ़ी बड़ी टेस्को होती है और हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, हर किस्म के जो थिंग्स होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हर किस्म के सूप हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, केचप, मेयोनेज, चिली सॉस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो ड्रेसिंग होती हैं, इमली, ये जो HP है ये इमली है, इमली का फन, केचप जो है बड़ी बोतल वो 295 की लगाई हुई है 3 पाउंड की। आपने ये देखा कि इनको इन्होंने सारी चीज़ें कितने सलीके से, कितनी तरतीब से रखी हुई हैं, कितने अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। और इधर चावल वगैरह भी हैं छोटे पॉकेट के हिसाब से, ब्राउन राइस भी हैं, ये ब्राउन राइस हैं ये वाले, कोई रोस्ट किए हुए होते हैं। यहाँ पर दालें भी पड़ी हुई हैं, लेंटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी एक होती है ढूंढ ढूंढ के, हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे सारा मिर्च मसाला पड़ा हुआ है, चिक पीस भी पड़े हुए हैं, टमाटो टीन पड़े हुए हैं। इधर मैं भी इस टेस्को में काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, लेकिन मुझे अभी चीज़ें मिल नहीं रही हैं यहाँ से। आप देख लें यहाँ पे ये कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर समझ ही नहीं लगती कोई चीज़ कहाँ पे है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हर किस्म के जो ड्रिंक हैं, फ्रेश ड्रिंक, मैंगो जूस, मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी जूस, बनाना मिल्क, रासबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, आप नेम करें कि सारे के सारे किस्म के ड्रिंक जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है वो आप यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर बटर वगैरह भी रखे गए हैं। मैं ये बटर की भी प्राइस देख के कभी कभी बहुत हैरान हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। तो हर चीज़ जो है उसको आग लगी हुई है। ये फ्रीज़र है, ऊपर का टॉप का शेल्फ है और नीचे ये खुला हुआ है, इसको रूम टेम्परेचर में थोड़ी सी कूलनेस चाहिए होती है, ताकि ये चीज़ें हैं ना जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर ये सारी की सारी सब्ज़ी पड़ी हुई है। गोभी भी है यहाँ पर, कॉलीफ्लावर 900 ग्राम 1.10 की, काफ़ी अच्छी है। ये छलियाँ पड़ी हुई हैं, स्वीट कॉर्न 1 kg 160 की, गुड प्राइस है ये क्रिसमस के लिए। यहाँ पे टर्की आ गई है, ये टर्की रखी हुई है फ्रोज़न, सिबा करके फ्रीज करके रखी जाती है। यहाँ पर मटर वगैरह हैं। यहाँ पर आप यार ज़्यादातर देखेंगे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, वॉशिंग मशीन की टैबलेट्स हैं, डिश वॉशर की हैं, बर्तन अच्छे से साफ करती हैं, फेरी वगैरह हैं, ब्रश वगैरह हैं, ये क्लॉथ है जो से सफाई करते हैं। एक बहन आई थी पाकिस्तान से, तो उसने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें को पता नहीं है, मेरे लिए ले ला दे। बर्तन धोने के लिए ये ग्लव्स भी यहाँ पर हैं, कि अगर आप हाथ को गर्मी या स्पंज, ग्लव्स सारा कुछ है। तो उस बहन को सारी ये चीज़ें ला के दी, तो वो तकरीबन 100-150 का सामान यहाँ पे ये पैसे लग गए। तो बाद में वो इतना रोला डाल रही थी कि जी इतने आपने पैसे लगा दिए हैं, ये तो चीज़ें इतनी महंगी नहीं आती। तो आप प्राइस आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी महंगी चीज़ें हैं और कितनी सस्ती हैं। तो जब चीज़ें लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी करते करते भी बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। और ये वानिश है, अगर कपड़ों के दाग वगैरह ना उतरे तो उनके लिए है, जो ब्लीच वगैरह टॉयलेट में डालने के लिए है। और ये सारी के सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसी तरीके से आती हैं। नॉन बायोलॉजिकल टेस्को का साबन है जो 780 का लगाया हुआ है, सस्ता है जो, लेकिन देखें कि 80 वॉश भी कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये लॉन्ड्री के लिए हैं, कपड़े धोने के लिए, कोई बर्तन धोने के लिए, कोई घर की सफाई करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। और अगर आप ये सारा कुछ इकट्ठा करना शुरू करें तो आपका जो बजट होता है ना
वो बहुत जल्दी ब्रो हो जाता है। तो चीज़ जो है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज। यू हैव टू सेट अप योर बजट एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग योर लिस्ट। अगर आप अननेसेसरी चीज़ें आप ख़रीदना शुरू कर दें तो फिर आप अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, वो रीच नहीं कर सकते। और उधर है आईफोन 14 प्रो और उसका वो दिखा रहे हैं ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेट की ट्रे हैं, डॉग्स की ट्रे हैं खाने की, और उनके बॉल वगैरह हैं और उनके ब्रश वगैरह हैं, और वहाँ पर भी सीड पड़े हुए हैं बर्ड्स के, और ये बर्ड्स का फूड है। यहाँ इस आइल में सारी तरफ ये स्पेशल जो है ये डॉग का ब्रश है, इंसानों का ब्रश नहीं है। तो यहाँ पे सारी जो फूड है आपको पेट के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्ड फीड रखा हुआ है, सीड्स वगैरह रखे हुए हैं। विंटर में जो बर्ड होते हैं ना वो भूखे मर जाते हैं। यहाँ पे बिल्लियों का खाना रखा हुआ है और यहाँ पे खरगोशों का, और वहाँ पे भी बिल्लियों के जो नीचे डालने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हैं। तो अगर आप यहाँ इस आइल में पूरे के पूरे आपको डॉग फूड मिलेगा, आपको मिलेगा कैट फूड मिलेगा, ये नरिशिंग जो डॉग्स का जो बीफ वगैरह है, ये मुर्गियों का टर्की का गोश्त वगैरह है, ये भी इसमें डाला जाता है। क्योंकि ये जानवर जो हैं ये गोश्त खोर होते हैं, तो गोश्त खोरों को गोश्त खिलाया जाता है। तो ये देखें, ये उनके बिस्किट वगैरह भी तरह तरह के हैं, फीड वगैरह भी हैं, और ये जंपर वगैरह भी उन्हीं के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस पैकेट में सारे के सारे जो हैं कुत्ते का खाना है, और ये सारे टॉयज़ हैं, बेल्ट वगैरह हैं, कुत्तों के शैम्पू हैं, ये ब्रश वगैरह भी उसी का है, तो 420 का लगाया हुआ है। हेयर ब्रश तो मुझे भी चाहिए, लेकिन ये अगर सर्दी में आपके डॉग को सर्दी लग रही है तो वो ये उसके लिए है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए फूड है, तो ये वेजिटेबल्स भी हैं इसमें। अगर ये जानवरों के लिए ज़रूरी हैं तो इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी हो सकती हैं। तो इस आइल में, इस लाइन में आपको सारे जो है जानवरों का फीड वगैरह मिलेगा। तो जो आप भी देखते होंगे कि इतना ज़्यादा फूड है, लोग अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़ के इन जानवरों का ख्याल रखते हैं और इनको अपने फैमिली मेम्बर समझते हैं, और इनको बहुत प्यार से नहलाते हैं, धुलाते हैं, शैम्पू करते हैं, इनको इनकी बेडिंग बनाते हैं, इनके लिए खाना बनाते हैं, इनसे बातें करते हैं। तो इसलिए जो इंसान इंसानों से मायूस हो जाता है वो जानवरों से प्यार करना शुरू कर देता है। तो ये देखें कि बिल्ली के बो भी हैं जो है उसके बालों पे, सर पे लगाने के लिए है, और ये कितना ख्याल रखा जाता है जानवरों का। यूके में तो आप देखें कि उतना इंसान का ख्याल नहीं रखा जाता हमारे जितना कुत्तों का ख्याल रखा जाता है। तो बहरहाल ये सारी की सारी जो आयल थी ना ये जानवरों के